बच्चों, आज हम लोग चोपर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग साइक्लो कन्वर्टर पढ़े, आज हम लोग चोपर पढ़ेंगे। ठीक है, चोपर वह पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्यवस्था है जिसकी सहायता से स्थिर डीसी वोल्टेज से आउटपुट पर परिवर्तित डीसी वोल्टेज पावर प्राप्त होती है। यह एक फास्ट स्विचिंग होती है जिससे काफ़ी लंबे समय तक ऑन ऑफ ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होता है। तो चॉपर के द्वारा हम लोग किसी भी मशीन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ऑन तथा ऑफ कराया जा सकता है। ठीक है, इसके कंट्रोल की दो अवस्था होती है, एक ऑन अवस्था होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, ऑफ अवस्था। जब पावर सप्लाई अप्लाई की जाती है तो उस कंडीशन पे जब पावर ऑन रहती है तो उसको हम लोग ऑन टाइम कहते हैं, जब जिस टाइम पर पावर ऑफ रहती है तो उसको हम लोग ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ऑफ टाइम और ऑन टाइम को चेंज करके परिपथ के क्रॉस वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो चोपर सर्किट है तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि चोपर हमारा क्या है कि अगर हम इनपुट पे एक क्या दे रहे हैं, फिक्स डीसी दे रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट पे वेरिएबल डीसी प्राप्त करें। तो इस तरह से कह सकते हैं यह हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो हमारे लोड पर अगर हम लोग देखें कि चोपर के लोड पर अगर करंट जो हमारी निर्भर करती है, जब लोड करंट में अपने अपर लिमिट पहुंचती है तो उस अवस्था पे चोपर को ऑफ कर देते हैं। जब वो अपने लिमिट से कम होती है तो उस अवस्था पे चोपर हमारा क्या होता है, ऑन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट लिमिट कंट्रोलर। चोपर हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है फर्स्ट डीसी चोपर, दूसरा होता है एसी चोपर। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डीसी चोपर। तो इसका सर्किट है, डीसी चोपर वह चोपर होता है जिसके इनपुट पर हम लोग डीसी पावर सप्लाई का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग डीसी चोपर कहते हैं। ठीक है, इसकी कंट्रोल की आवश्यकता के अनुसार डीसी चोपर में परिपथ में हम लोग निम्न कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। पहला हमारा क्या होगा, जैसे एक हम क्या यूज करेंगे, एक एसीआर होगा हमारा, फिर एक हम लोग डायोड यूज करेंगे तथा इसके पैरेलल में हम लोग क्या लगाएंगे, एक लोड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये गेट है, ये हमारा एसीआर है, और यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, इस पे डीसी पावर इनपुट, डीसी पावर सप्लाई। ये हमारा क्या है, डायोड, ये हमारा क्या है, लोड। इस पे हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो इस एससीआर को ऑफ करने के लिए हम लोग फोर्सेड कम्यूटेशन मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऑन तथा ऑफ टाइम की वैल्यू चेंज करके एवरेज लोड वोल्टेज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे चेंज कर सकते हैं। तथा अगर हम मान लें कि हमारी जो ऑन टाइम है, तो इस पे वीएल वोल्टेज ऑन टाइम हमारी क्या है, ऑन टाइम टी ऑन से डिनोट करेंगे और ऑफ टाइम को टी ऑफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम चोपर की ड्यूटी साइकिल की गणना निम्न फार्मूले से कर सकते हैं। डी बराबर हमारा क्या होगा, टी ऑन अपान टी, वेयर डी इज द ड्यूटी साइकिल। और इसे ड्यूटी साइकिल ये हमारा क्या है, लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज टी ऑन टी ऑफ, फिर टी ऑन क्या है, टी ऑफ। ठीक, तो चोपर हमारा क्या है, एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस हमारी है, मतलब इससे हम फास्टली क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसका जो टाइमिंग होगा, एक ड्यूटी साइकिल टाइमिंग क्या होगी हमारी, टी। ठीक है, टोटल टी ऑन टी के बीच का, तो जहाँ पर अगर हमको टी निकालना हो तो टी बराबर हमारा क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ। ठीक है, अब
तो इसके क्रॉस फिर क्या होगा कि डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ड्यूटी साइकिल हमारी आ गई। अब इस पे हम लोग चॉपर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, तो चॉपर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, वन अपान टी बराबर वन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। अतः लोड के क्रॉस, इस लोड के क्रॉस जो हमारा ये लोड है इसके क्रॉस जो एवरेज वोल्टेज चॉपर के ऑन तथा ऑफ टाइम पर निर्भर करता है, इसे कंट्रोल करने के लिए चॉपर को हम लोग तेजी से क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं, क्योंकि हमको लोड पे ही क्या करना है, कंट्रोल करना है एक, ठीक है। तो अगर हमारा इस पे क्या हो, एक इंडक्टिव लोड लगा हो, ठीक, तो और हम लोग यहाँ क्या किए हैं, इसके पैरेलल में एक हमने डायोड यूज कर रखा है जो क्या फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह बिहेव करता है, जो आपके SCR को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। तो इंडक्टर में कुछ हमारा क्या होता है, स्टोर भी होता है, कुछ चार्ज स्टोर भी होंगे एनर्जी। तो चॉपर की एवरेज वैल्यू का जो वेव अगर हम लोग प्लाट करें इंडक्टिव के क्रॉस, तो हमारा कैसा बनेगा, देखिए एक इंडक्टिव के क्रॉस, ठीक है। तो इसके क्रॉस जब हम लोग बनाएंगे तो ये देखिए ऐसे जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर हमारा क्या होगा, ऐसे आएगा। तो ये जो हमारा क्या है, ये लोड करंट, मतलब क्या है, ये हमारा IL है, ठीक है। अब इसके क्रॉस अगर हम लोग क्या करें, वोल्टेज को अगर लोड पे कैलकुलेट करें, VL बराबर हमारा क्या होगा, VDC, ठीक है, कोष्टक में टी ऑन अपान टी ऑन प्लस टी ऑफ, आर VL बराबर VDC मल्टीप्लाई डी। तो इस समीकरण से जो हमारा ये फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारा लोड वोल्टेज दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक इनपुट DC पावर सप्लाई पर या वोल्टेज पर, और दूसरा किस पर, चॉपर के ड्यूटी साइकिल पर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो चॉपर करंट क्या हमारी होगी, चॉपर करंट ये आप फिर आप ये हमारा इस तरह से दिस टाइम है, ये हमारा क्या है, चॉपर करंट, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज चॉपर की ड्यूटी साइकिल पे अगर हमारा लोड वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, तो ये निम्न बातों पे, हमारा एवरेज वोल्टेज निम्न बातों से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी तीन स्थिति होगी। एक क्या होगा, पहला कि अगर हम लोग टी ऑन को कांस्टेंट रखते हैं तथा टी ऑन प्लस टी ऑफ को बैरी करते हैं, तो इस अवस्था पे हमारा क्या होगा, ये जो इस पे प्रोसेस क्या होगा, मतलब हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, दूसरा है कि टी ऑन प्लस टी ऑफ को कांस्टेंट रखते हैं तथा टी ऑन को बैरी करते हैं, ये हमारा क्या है, फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम कंट्रोल, फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो
कंट्रोल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारा ये टाइम रेशियो कंट्रोल जो हमारी टीआरसी है वो क्या है, तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि आउटपुट जो हमारा होगा इस तरह से एक फिक्स डीसी वोल्टेज को हम लोग वेरिएबल डीसी वोल्टेज के रूप में आउटपुट पे प्राप्त कर रहे हैं। और नेक्स्ट कर सकते हैं आप, जैसे टी ऑन को कांस्टेंट रखा तथा टी ऑफ को वेरी किया। दूसरा है टी ऑफ को वेरी किया। थर्ड है कि टी ऑन अपान टी ऑफ को वेरी किया। तो इस तरह से एक डीसी चॉपर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उसके लोड एवरेज वोल्टेज को अगर हम लोग देखें तो उसके अनुसार लोड वोल्टेज हमारा चॉपर के ड्यूटी साइकिल और इनपुट डीसी वोल्टेज पर निर्भर करता है।